नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज दिनांक 30 अगस्त 2022, और आज हम चर्चा करने वाले हैं दैनिक जागरण में आए कुछ महत्वपूर्ण लेखों के ऊपर। इसमें महत्वपूर्ण लेख में आप देख सकते हैं, आवश्यक हो चुके हैं स्वदेशी डिजिटल मंच और नैनो उर्वरक से क्रांति की जगह आज। हम इन दोनों पर चर्चा करेंगे। उसके अलावा रूस यूक्रेन से उत्पन्न वैश्विक चुनौतियां और सभी को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यह भी एक महत्वपूर्ण लेके इसमें आए। सभी को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इसमें पीएम श्री योजना के बारे में बात की गई है, तो हम इसको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यूरिया के बारे में जानेंगे कुछ, और इसके एडवांटेज वगैरह और लाभ हानि के बारे में, और इसके अलावा डीएपी के बारे में भी हम इसमें जानेंगे कि डीएपी तो, और इसके अलावा जो सोशल मीडिया का इसमें दिया गया है मुद्दा, उसके बारे में हम कुछ आंकड़े हैं उनको देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आवश्यक हो चुके हैं स्वदेशी डिजिटल मंच में है, लेखक का यहाँ पर क्या कहना है इसको हम देखते हैं। जो इंटरनेट आज हम आम आदमी की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, जैसे औद्योगिक युग में बिजली के इंजन ने सामाजिक और आर्थिक परिवेश को बदल दिया था। यानी कि जिस प्रकार से औद्योगिक युग शुरू हुआ था, उसमें जो बिजली का जो पहले तो इंजन बना था, भाप वाला इंजन, उसके बाद जो फिर बिजली का इंजन आया, तो उसने जो सामाजिक और आर्थिक परिवेश है जो उनको एक ही अलग स्तर पर और पूरी तरीके से बदल दिया था। और ठीक वैसे ही जो इंटरनेट है दोस्तों, लोगों के निजी जीवन, संगठनों के आगे बढ़ने और राष्ट्रों की राजनीति को आकार देने में एक प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि आज इंटरनेट आने से कितना जो लोगों का निजी जीवन बदल गया है, प्राइवेसी कम होती जा रही है, संगठन जो है जो पहले क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते थे, अब इंटरनेट की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से बहुत राष्ट्र भर में अपनी पहुंच बना रहे हैं। और जो राष्ट्रीय की राजनीति है वो भी अब आकार देने में एक उनका इंटरनेट का प्रमुख योगदान रहा है। और पर इसमें रहता है कि जो सूचना है जो मौजूदा समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है, क्योंकि आजकल सूचना ही सबसे महत्वपूर्ण है। जिसकी सूचना सबसे ज्यादा पहुंच रही है वो इसमें आगे जा रहा है। सूचना का मतलब आप किसी भी तरीके से अपने विचारों का आदान प्रदान या कोई भी अन्य सूचना या अन्य बातों को एक दूसरे के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से ज्यादा जनमानस तक पहुंचाना, जिसे दुनिया भर में पहुंचाने में डिजिटल कम्युनिकेशन चैनल का इस्तेमाल होता है। और इसे साझा करने में सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स की अहम भूमिका है। सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स मतलब कि यहाँ पर फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और इस प्रकार से अन्य 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 अनेक तरह के प्लेटफॉर्म, और कलाकारों, पत्रकारों, राजनेताओं, संस्थानों के लिए जनता तक अपनी पहुंचाने जो अपनी बात पहुंचाने और खबरें जुटाने, लोगों से जुड़ने और मतदाताओं तक पहुंचने के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म उपयुक्त माध्यम बन चुके हैं। यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो कलाकारों के लिए उनकी कलाओं को दिखाने के लिए, पत्रकारों के लिए उनकी खबरों को ज्यादा जन समूह तक पहुंचाने के लिए, और राजनेताओं तक के लिए जो उनकी जो वोटर है, जो मतदाता है, उन तक पहुंचने के लिए, और जो संस्थाएं हैं उनको अपनी जनता तक बात पहुंचाने के लिए और खबरें जुटाने के लिए और लोगों से जुड़ने तथा लोगों को इकट्ठा करने में, ग्रुप बनाने में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उनका बहुत तरीके से यूज किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम जानते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जो वर्ल्ड वर्ल्ड वाइड जो है सर्वे में, वो किस प्रकार से 2020 के सर्वे के हिसाब से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे आगे और कितने जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है उसको अपने पास रखता है, यानी कितने उसके पास जो टोटल सोशल मीडिया पे है उसमें कौन सबसे आगे है। तो इसमें हमको 2020 के आंकड़ों से पता चलता है कि फेसबुक है वो सबसे आगे इसमें है। उसके पास 46% तक के जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं वो अब उसके फेसबुक पर बने रहते हैं। उसके बाद आता है यूट्यूब, जो यूट्यूब है 27%, फिर व्हाट्सएप जो 20% के लगभग आता है, और फिर इंस्टाग्राम आता है 213% के लगभग, उसके अलावा फिर फेसबुक मैसेंजर और इसके साथ ट्विटर, फिर लिंक्डइन, स्नैपचैट, लाइन और वाइबर जैसी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आते हैं। अगर हम इससे आगे चले और अगर हम इंडिया के बारे में देखें कि इंडिया में कितने कहाँ पर सोशल मीडिया, किस प्रकार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्लेटफॉर्म यूज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज हो रहे हैं, तो उसमें पता चलता है कि जो ऑल इंडिया में है लगभग
सोशल मीडिया यूजर जो है 143, यानी कि ये मिलियन में है, और मिलियन में ये संख्या है। जो टोटल इंटरनेट यूजर्स है वो तो है 257, यानी 257 जो मिलियन है हमारे इंटरनेट यूजर्स है, और सोशल मीडिया यूजर्स है वो है 143 मिलियन। और अगर अर्बन में देखें, अर्बन और रूरल एरिया की बात करें, रूरल की, तो यहाँ पर हमें एक गैप देखने को मिलता है, जो कि अगर अर्बन इंडिया में देखें आप, तो वहां पर टोटल इंटरनेट यूजर होंगे 180 जो मिलियन है यूजर आएंगे, और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर है वहां पर 118 यूजर आएंगे। वहीं रूरल एरिया में देखेंगे तो वहां पर आपको 77 के लगभग आपको यहाँ पर इंटरनेट यूजर मिलेंगे, जबकि 25 के लगभग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूजर्स मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूरल और अर्बन में कितना गैप दिखता है। तो ये तो हुई रूरल और अर्बन इंडिया की बात। अब चलते हैं, अगर सोशल मीडिया का यूज देखते हैं कि अलग अलग वर्गों के हिसाब से, जैसे कि स्कूल किड्स हुआ, कॉलेज स्टूडेंट हुए, यंग मैन, ओल्डर मैन, इन वर्गों के हिसाब से कौन किस वर्ग में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, तो हम यहाँ देख दिख रहा होगा आपको कि जो स्कूल किड्स हैं वो 12% के लगभग, जो ये कॉलेज स्टूडेंट है वो 33% के लगभग, और यंग मैन है वो 27% के लगभग इसका यूज करते हैं, यानी कि ये क्षेत्र तीनों सबसे ज्यादा यूज करते हैं। उसके अलावा जो ओल्ड मैन आ जाते हैं वो 10% यूज करते हैं। नॉन वर्किंग वुमेन होती है, यानी कि जो जो कामकाजी महिलाएं नहीं होती है, फिर उनको गृहिणी मान लो, तो वो 11%, और जो वर्किंग वुमेन है वो 7% यूज, मतलब अपने सोशल मीडिया में उनका आंकड़ा बनता है। और अगर सोशल मीडिया यूजर्स जाने अक्रॉस टाउन्स, तो जो मेट्रोज है उनमें 47% के लगभग है, फिर नेक्स्ट फोर मेट्रोज है उसमें 25% के आता है, जो 23 है स्मॉल मेट्रोज से टाउन से उनमें 23% के लगभग है, और जो नॉन मेट्रोज है उनमें 4% के लगभग आता है, और जो स्मॉल टाउन से उनमें 1% लगभग सोशल मीडिया यूजेज जो आता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो सोशल मीडिया के चलाने वाले हैं वो कहाँ पर है, हमारे टॉप फोर मेट्रो सिटीज में, यानी कि 47% वहीं से बनता है। और उसके अलावा अगर हम एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार की एक्टिविटीज की जाती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा एक्टिविटी होती है वो मेंटेनिंग प्रोफाइल होती है, और सोशल नेटवर्किंग साइट पर चलाना होता है। और उसके अलावा सेकेंड पे आ जाती है हमारी अपडेट स्टेटस इन अ सोशल नेटवर्किंग साइट, और फिर ट्विटर पे, या फिर कमेंट ऑन समवंस ब्लॉग। तो इस प्रकार से तीन चार एक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा जो आता है अपलोड वीडियो, ऑडियो, म्यूजिक यू क्रिएटेड। तो हमने यहाँ पर जो मुख्य बातें जानी, भारत में किस प्रकार से सोशल मीडिया क्षेत्रों के हिसाब से बंटा हुआ है, अर्बन में कितना है, रूरल इंडिया में कितना है, और अलग अलग वर्गों में किस प्रकार से यूज होता है, और जो मेट्रो सिटी है उनमें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया यूज होते हैं। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे फिर से। तो हमने यहाँ देखा था कि प्लेटफॉर्म का विस्तार जो है, जो ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं उनका विस्तार जो सामान्यतः स्वामित्व निजी हाथों में होता है, और जो परिणाम स्वरूप होता है वो यूजर्स के डाटा के दुरुपयोग के साथ साथ विचारधारा, जाति, लिंग, पंथ जैसे विषयों पर दुष्प्रचार की संभावनाएं रहती है। और ऐसे प्लेटफॉर्म पर अपने देश के मूल कानून के अधीन होते हैं, यानी कि वो जिस देश में उनका ऐप चलता है उस देश के कानून न मानकर जिस देश से वह बनी वो कंपनी, जो जिस देश में उनका हेडक्वार्टर रहता है, जिस देश में उनका बेस रहता है, जहाँ से वो निकलती है, उनको उसके कानून के अधीन होते हैं, और वहाँ के कानून के तहत अगर ऐसा है कि उनको यूजर्स का डाटा वो सरकार अधिग्रहण रख सकती है, तो उससे भी हमारे देश की सुरक्षा में जोखिम नजर आता है। जिस प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के पास प्रिज्म नाम का एक ऐसा उपकरण है जो गूगल, फेसबुक, एप्पल जैसी जो प्रमुख इंटरनेट और संचार कंपनियां हैं कि यूजर्स के डाटा को एकत्र करने के लिए प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट 2007 के तहत बनाया गया था। यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि जैसे अमेरिका की बात हुई, तो उसने अपना एक ऐसा उपकरण बना रखा है जिसके तहत वो अन्य देशों के यूजर्स की भी डाटा अपने पास रख सकती है, प्रोटेक्ट अमेरिका एक्ट 2007 के तहत इन कंपनियों से लेकर। हालांकि जो प्रिज्म है वो शीर्ष कंपनियां और अमेरिकी सरकार इसे इसके अस्तित्व को नकारती रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की लीक हुई थी उसमें उसकी हकीकत फिर सामने आ गई।
उसके अलावा जो अन्य देशों के प्रति जो प्रबंधन की जवाबदेही भी इनकी कम होती है, इसके परिणाम स्वरूप जो भारत में भी अपनी स्वदेशी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की सख्त जरूरत महसूस हो रही है। इसके लिए पहले तो भारत का डाटा भारत में ही रहना चाहिए, तभी ये सब मुमकिन हो सकता है। इस प्रकार और अगर भारत में भारत की स्वदेशी जो सोशल नेटवर्किंग साइट से ऐप है वो अगर वो डेवलप हुए या बने तो उससे यूजर्स को भी, जो उसके यूजर्स होंगे उनको भी बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर उनकी जो डाटा चोरी और अगर हानि कोई मुकदमा होता है तो वो सरकार पर कर सकते हैं, क्योंकि जो भारत संविधान के तहत भारत पर भी और मतलब क्योंकि भारत सरकार और राज्य सरकार भी सूचना का अधिकार अधिनियम है उसके तहत अंतर्गत आती है। और इसी के तहत जो अन्य देशों के मुकाबले भारत को अगर यूजर्स को मुकदमा करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती, जिस प्रकार से अमेरिका में या अन्य देशों में जिनमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स कानूनों के उल्लंघन के मामले में यूजर्स को मुकदमा करने के अधिकार से वंचित कर देती है। तो इसीलिए आरटीआई के तहत व अन्य कुछ कानूनों के तहत भारत सरकार इससे जो है अपने यूजर्स को, सोशल मीडिया यूजर्स को मुकदमा करने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। ऐसे में भारत को एक स्वदेशी इंटरनेट ढांचे की जरूरत भी महसूस हो रही है, क्योंकि जो देशी और विदेशी सोशल नेटवर्क के तौर पर सेवाएं देने में सक्षम हो, तो यहाँ पर सवाल उठता है तो क्या हम तकनीकी रूप से इस संवेदन इस स्वदेशीकरण को हासिल करने में सक्षम है? तो निश्चित रूप से इसका जवाब होगा हाँ, क्योंकि 2020 में चीन के साथ तनाव में बीच केंद्र सरकार ने जो सुरक्षा और निजता का हवाला देते हुए टिकटॉक, शेयरइट और वीचैट जैसे मशहूर मोबाइल ऐप समेत कई चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। फिर जब भारत ने 321 और चीनी ऐप्स को गैर कानूनी घोषित किया, तब आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा भी की गई, जिसमें भारतीय तकनीक और उद्यमियों के इनके वैकल्पिक ऐप्स डिजाइन करने के लिए भी कहा गया। तो इससे जो और इसमें जो HSBC ग्लोबल रिसर्च के अनुसार पिछले 5 वर्षों में भारत के इंटरनेट स्टार्टअप क्षेत्र में करीब 4.78 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है, जो कि हमारे यहाँ पर प्रगति को दिखाता है या विकास को दिखाता है। इसके हमारे जो डेवलपिंग सेक्टर है, ऐप डेवलपिंग या फिर सॉफ्टवेयर है उस क्षेत्र में। और जो द स्टेट ऑफ स्मॉल बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक और ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD और विश्व बैंक के बीच संयुक्त शोध चल रहा है, और इसमें पता चला है कि फेसबुक इंडिया पर काम कर रहे हैं 51% लघु एवं मध्यम व्यवसायों की कमी से कम एक चौथाई बिक्री डिजिटल रूप से हो रही है। यानी कि जो ऐसे व्यवसाय हैं जो लघु और मध्यम, उनकी 51% ऐसे व्यवसाय ही है कि जो जिनकी एक चौथाई बिक्री डिजिटल रूप से फेसबुक के माध्यम से हो रही है। भारत में लगभग ऐसे उद्योग 6 करोड़ लघु और मध्यम व्यवसाय है, और उनका 51% इसके एक चौथाई से अपना व्यापार चला रहा है। यहाँ पर इंटरनेट मीडिया के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाजार बाजार है, क्योंकि भारत में 93.1 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या कहीं कम है, और केवल स्वदेशी डिजिटल मंच ही विविधता पर पकड़ बना सकता है। इस प्रकार ऐसा प्रतीत यहाँ पर होता है कि अगर जो विविधता है और उसको हम स्वदेशी रूप से कुछ ऐसा मंच लाए जो इस विविधता को अच्छे से पकड़ सके, तो वह एक बहुत अच्छा कारगर साबित होगा। और इससे जो हमने देखे भी है, जो कू ऐप है और जो अन्य ऐप है जो अभी हाल ही में विकसित हुए भारत में, वह काफी लोकप्रिय और सफल भी हुए हैं। और इससे देश भर की भाषाओं के साथ जो यह हमारी विविधता के साथ अगर ऐप बने या फिर ऐसे जो सभी विविधता को एक साथ ला सके, तो इसमें देश भर की भाषाओं के साथ लोगों के प्रतिनिधित्व और ज्ञान को और सीखने में कई गुना बढ़ोतरी होगी, जो वाकई में सभी को एकजुट करने वाला प्रयास भी होगा। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि इस प्रकार जो है भारत अगर स्वदेशी डिजिटल मंच को अपने स्वदेशी डिजिटल मंच को अपनाता है या फिर बनाता है, तो इसे भारत को फायदा होगा और जो हमारा डेटा है यूजर्स का वह भी सुरक्षित रहेगा अन्य देशों के चोरी करने से। अगर बढ़ते हमारे अगले लेख की तरफ, जानते हैं नैनो उर्वरक से क्रांति की जगह आज में क्या है खास?
यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जो देश में जितना ध्यान अभी जितना ध्यान खाद्यान्न और उत्पादन पर दिया गया, अगर उतना खेती की लागत घटाने और उपज के भंडारण विपणन पर नहीं दिया गया, यानी कि जो पहले जितना हमारा हरित क्रांति हुई या फिर वो भी जो भी सरकारों ने अपना ध्यान दिया वो खाद्यान्न उत्पादन पर ज्यादा दिया, और परंतु उतना उत्पादन ध्यान खेती की लागत घटाने पर और उपज के भंडारण विपणन पर नहीं दिया गया, और यही कारण है कि खेती किसानी समय के साथ कदम ताल नहीं कर पाई। यानी कि खाद्यान्न तो हमने बहुत ज्यादा उत्पादन कर दिया पर जो खेती की लागत नहीं घटा पाए क्योंकि खर्चा हमारा बहुत आ रहा है, और जो उसका भंडारण है वो सही नहीं कर पाए तो घाटा बहुत हो रहा है उसमें। और इसी घाटे की भरपाई के लिए सरकारों ने जो उपाय किए वे सभी तात्कालिक राहत प्रदान करने वाले थे, जैसे कृषि ऋणों की माफी, यानी कि वो तात्कालिक जो राहत किए वही वो दे सकते थे, वो लंबा लंबा समय तक कोई राहत नहीं दे पाए। उसके अलावा जो हमारी 2014 में जो प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए दूरगामी उपाय करने शुरू किए, इनमें प्रमुख है नीम कोटेड यूरिया, यानी कि जो 2014 के बाद जो महत्वपूर्ण ऐसे उपाय शुरू किए गए उनमें जो प्रमुख है उनमें है नीम कोटेड यूरिया, ऑपरेशन ग्रीन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना और मृदा स्वास्थ्य कार्ड, मंडियों का आधुनिकीकरण एवं ई नाम योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और जैविक खेती को प्रोत्साहन। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से अब सरकारें भी इसमें ध्यान देने लगी है, और जो पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था अब उसकी तरफ लोगों का भी ध्यान जा रहा है, और इसके लिए अन्य बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही है। तो हमारा एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर जो कृषि है उसमें चलाई जो किस प्रकार से अभी हालत क्या है और किस प्रकार से हम इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। जो नैनो यूरिया है उसका जो खोज हुई है उसको डेवलपमेंट हुआ है नैनो यूरिया का, और उसी के साथ अभी नैनो डीएपी के ऊपर भी शोध चल रही है, तो उसी बारे में हम जानने वाले हैं इसमें। तो जैसे कि जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल को बढ़ावा भी सरकार दे रही है, और बढ़ती बीमारी और पड़ोसी देशों की यूरिया की तस्करी आदि को देखते हुए मोदी सरकार ने 2015 में यूरिया नीति घोषित की, और जिसमें घरेलू उत्पादन बढ़ाने, यूरिया उत्पादन में ऊर्जा बचत को बढ़ाने बढ़ावा देने और बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को नए सिरे से शुरू करने पर फोकस किया गया। यानी कि जो यूरिया नीति 2015 आई थी उसमें जो मुख्य रूप से यह था कि उसमें जो घरेलू उत्पादन है यूरिया का उसको बढ़ाया जाएगा, उसका एक पॉइंट तो ये था। दूसरे में उसका उद्देश्य था कि यूरिया उत्पादन में ऊर्जा जो है उसका बचत को बढ़ावा देने और बंद पड़े जो उर्वरक संयंत्र उनको एक नए सिरे से शुरू करके और उनपे एक अच्छी तकनीकी से लागत कम करके ज्यादा मात्रा में यूरिया का उत्पादन करना है, इसका यह उद्देश्य था 2015 में। और यूरिया और उस पर बहुत शोध करना ताकि हम उसको जो तकनीकी या फिर वैज्ञानिक तरीके से हम उस पर खर्चा कम करके फायदा ज्यादा ले सकें, और यूरिया नीति के सकारात्मक परिणाम भी देखने शुरू हो गए हैं कि 2025 तक जो रामाकुंडम, गोरखपुर, सिंदरी, बरौनी आदि के जो उर्वरक संयंत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर नए संयंत्र भी पूरी क्षमता से उत्पादन शुरू कर देंगे। इससे जो 2025 तक भारत यूरिया के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा ऐसा प्रतीत होता है। और उल्लेखनीय यह भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो आपूर्ति बाधित होने और चीन एवं अन्य देशों द्वारा जो निर्यात में कटौती के कारण इस साल देश में यूरिया की उपलब्धि भी प्रभावित हुई है, जिस कारण से हमारा इस मामले में ध्यान देना जरूरी हो गया है। यहाँ पर यूरिया के मामले में जो दोस्तों आत्मनिर्भरता दिलाने में एक नैनो यूरिया की अहम भूमिका है, जो कि हाल ही में शोध में भारत के इफको द्वारा बनाया गया, और यह नैनो कणों से निर्मित यूरिया का एक प्रकार है जिसमें पौधों का पोषक तत्व प्रदान करने वाला तरल नाइट्रोजन होता है। यानी कि जिस प्रकार से यूरिया में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तरल नाइट्रोजन होता है इसमें वो यहाँ पर महत्वपूर्ण घटक के रूप में आता है, क्योंकि यूरिया में भी मुख्यतः नाइट्रोजन होता है, और लगभग इस बोतल में जो एक बोतल होती है उसके नाइट्रोजन के लगभग 40,000 कण होते हैं, एक बोतल में 40,000 कण होते हैं, जो कि एक बोरी में यूरिया 50 किलोग्राम के बराबर होता है। यानी कि 40,000 कण एक बोरी के बराबर होता है 50 किलोग्राम की, जो कि और उसके मुकाबले इसका खर्च भी और इसकी लागत भी सस्ती पड़ती है थोड़ी। जो नैनो यूरिया है दोस्तों उसमें उपयोग से उर्वरक लागत में कमी और अधिक उपज मिलने के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आती है, और जो पारंपरिक उर्वरक है
यहाँ पर आप देख सकते हैं पारंपरिक उर्वरक के मामले में जो पौधे की पोषण खपत है वो केवल 20 से 30 मतलब 25 से 30% ही होती है, वहीं जो नैनो उर्वरकों में यह बढ़कर 90% हो जाता है। और अगर आगे हम देखें तो यहाँ पर पता चलता है कि जो नैनो यूरिया है उसका आर्थिक पहलू भी बहुत कम महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि 50 अगर आप देखें तो 50 किलोग्राम की जो परंपरागत यूरिया की बोरी आती है वो लगभग 2600 रुपए की होती है, और उस पर सब्सिडी देने के बाद सरकार द्वारा वो 266 रुपए प्रति बोरी की दर से किसानों को दी जाती है यहाँ पर। और जबकि एक बोतल है वो नैनो तरल यूरिया का मूल्य सिर्फ 240 रुपए है। यहाँ से भी स्पष्ट होता है कि जो नैनो यूरिया है उसके इस्तेमाल से खेती की लागत में भी बहुत ही कमी आएगी और सरकार को भी इस पर फायदा होगा। और नैनो यूरिया का उत्पादन दोस्तों अभी फिलहाल गुजरात की कलोल स्थित इफको के संयंत्र में 2021 से शुरू से हो रहा है, और अब इसका उत्पादन इफको के अन्य संयंत्रों में भी उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है, और जो नए संयंत्र है शुरू होने के बाद इसकी उत्पादन क्षमता जो वर्तमान में 5 करोड़ बोतल मिलीलीटर यानी 500 मिलीलीटर की एक बोतल से बढ़कर 44 करोड़ बोतल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अगर हमारे इतने जो हमारे संयंत्रों पर काम चल रहा है अगर उनको वो चालू हो जाए अपनी क्षमता के साथ तो वो 44 करोड़ तक की बोतल उत्पादन कर सकते हैं, जिससे कि हमें इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और 5 करोड़ बोतल की जगह हम इस बड़े आंकड़े को हमें छूना है ये भी लक्ष्य रखा गया है। और यहाँ पर एक किसान की आमदनी के बारे में भी देखें तो इसके इस्तेमाल से किसान प्रति एकड़ 4000 रुपए की वृद्धि भी होगी, क्योंकि उल्लेखनीय है कि अभी एक पूरी रेक की मालगाड़ी क्योंकि जो खर्चा आता है वो कम हो जाएगा, जिससे किसान को सस्ते में चीजें मिलेगी और उसका प्रभाव अन्य चीजों पर पड़ेगा, और इसकी जो क्षमता है वो हमारा परंपरागत यूरिया है उसके मुकाबले ज्यादा है। इसलिए भी तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि एक पूरी रेक की मालगाड़ी में यूरिया की 52,000 बोरियां आती है, यानी कि जो एक मालगाड़ी की रेक होती है पूरी उसमें 52,000 बोरियां आती है, लेकिन नैनो यूरिया की 52,000 बोतलें सिर्फ एक ट्रक में आ जाएगी, बड़े ट्रक में आ जाएगी, क्योंकि नैनो यूरिया को बढ़ावा देने से पारंपरिक यूरिया के परिवहन लागत में भी कमी आएगी और इसके लिए बड़े बड़े गोदामों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ जो नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट का भी उत्पादन होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम थोड़ा यूरिया के बारे में जान लेते हैं, इसके क्या क्या इसका फॉर्मूला क्या फॉर्मूला किस प्रकार से है। तो आप यहाँ देख सकते हैं यूरिया का फॉर्मूला यहाँ पर, जो कि यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ NH2 देखिए कि अपने बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इसका फॉर्मूला है, ये देख सकते हैं आप इसको। और यूरिया के बारे में जानते हैं दोस्तों, यूरिया क्या है, कार्बामाइट भी बोलते हैं इसको दोस्तों, यूरिया या फिर कार्बामाइट एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र NH2 होल ट्वाइस CO होता है, और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइट भी कहा जाता है। ये एक रंगहीन होता है दोस्तों, रंगहीन गंधहीन सफेद रवेदार जहरीला ठोस पदार्थ है, यानी कि जहरीला और ठोस पदार्थ है रंगहीन गंधहीन के साथ, और यह जल में अति विलेय यानी जल में घुलनशील है अच्छे तरीके से। और जो स्तनपाई है यानी जो मैमल से स्तनपाई और जो सरीसृप है उन उनके मूत्र में पाया जाता है, और कृषि में जो नाइट्रोजन युक्त रासायनिक खाद के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, यानी हम नाइट्रोजन इसमें युक्त रासायनिक खाद के रूप में इसका प्रयोग होता है, और जिसको सर्वप्रथम दोस्तों जो बनाया था वो अपने फ्रेंच वैज्ञानिक थे इले राउले ने खोजा था इनको, और कृत्रिम विधि से सबसे पहले यूरिया बनाने का श्रेय जर्मन वैज्ञानिक मोलर को जाता है, यानी कि खोजा तो सबसे पहले फ्रेंच वैज्ञानिक हिलेरी राउले ने खोजा था, परंतु जो कृत्रिम रूप से जो पहली बार बनाया था वो बनाया था हमारे जर्मन वैज्ञानिक मोलर को जाता है, इसका श्रेय उन्होंने बनाया था। और इन्होंने सिल्वर जो आइसोसाइनेट में से यूरिया का निर्माण किया था, और फिर स्वीडन के जो वैज्ञानिक है बर्जेलियस उनको खत लिखा था, क्योंकि उस समय पूरी दुनिया में जो बर्जेलियस का सिद्धांत माना जाता था कि यूरिया जैसे कार्बनिक यौगिक सजीवों के शरीर के बाहर बन ही नहीं सकते तथा इनको बनाने के लिए प्राण शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से जो वोलर थे जर्मन के वैज्ञानिक वोलर, उन्होंने इस प्रकार से कृत्रिम रूप से यूरिया बनाकर यहाँ पर बर्जेलिस की जो थोड़ी थ्योरी थी कि यौगिक जो यूरिया है वो कार्बनिक यौगिक यूरिया जैसा कार्बनिक यौगिक शरीर के बाहर भी बन सकता है,
उनकी जो थ्योरी थी जो कि यह सेल के बाहर नहीं बन सकता, उसको गलत साबित कर दिया इस प्रकार से। यूरिया का उपयोग दोस्तों मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में होता है, इसका प्रयोग वाहनों के प्रदूषण में नियंत्रण के रूप में भी किया जाता है, और जो यूरिया है वो फॉर्मेल्डिहाइड, रेंजिन, प्लास्टिक एवं हाइड्रोजन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। यूरिया से दोस्तों स्टीबामिन यानी कि यूरिया से जो स्टीबामिन नामक कालाजार की दवा भी बनती है, जो कालाजार रोग में काम आती है स्टीबामिन, और वेरोनल नाम की नींद की दवा भी यूरिया बनाने में सहयोगी साबित होता है। यहाँ हमने देखा कि यूरिया के बारे में क्या क्या मुख्य इसके उपयोग थे, इसके बारे में थोड़ी हमने जानकारी ली। रक्तहीन होता है, गंधहीन होता है, और सफेद रवेदार जहरीला पदार्थ भी जहरीला ठोस पदार्थ होता है। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला देखा हमने, रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो चलते दोस्तों फिर से हमारे टॉपिक पर। यहाँ पर आगे बढ़ते तो पता चलता है कि जो नैनो यूरिया है दोस्तों, उसके बाद अब नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी DAP का भी उत्पादन होने वाला है। यानी कि नैनो यूरिया के बाद जो हमने नैनो यूरिया पे आए, और अब जो DAP है उसको भी हम नैनो के रूप में, यानी कि ऐसे ही जो DAP को भी हम जिस प्रकार से हमने नैनो यूरिया बनाया उसी प्रकार नैनो DAP बनाने की भी बात होने वाली है। DAP दूसरा सबसे अधिक आयात किया जाने वाला रासायनिक उर्वरक है। देश के 8 संयंत्रों में नैनो DAP का परीक्षण चल रहा है, यानी कि 8 जगह पर इसका परीक्षण चल रहा है, और जल्द ही इसमें उत्पादन भी शुरू हो जाएगा। इसके बाद DAP की कीमत भी आधी रह जाएगी, और जो आयात से मुक्ति भी हमको मिल जाएगी, और आने वाले समय में भारत इन उर्वरकों का निर्यात भी करने लगेगा धीरे धीरे। नैनो यूरिया नैनो DAP के 20 साल का पेटेंट हासिल करने के बाद इसको नैनो जिंक और नैनो कॉपर विकसित करने की तैयारी में भी जुटा है। यानी कि हमने इन दो नैनो यूरिया और नैनो DAP का 20 साल का पेटेंट हासिल कर लिया है, और अब इफको नैनो जिंक और नैनो कॉपर का वो विकसित करने में के लिए जुट गया है। हम थोड़ा नैनो DAP के बारे में जानते हैं दोस्तों कि DAP क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो DAP कहलाता है क्या। DAP उर्वरक के फायदे और नुकसान है। DAP के रूप में प्रमुख रूप से जाने 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 वाला डाई अमोनियम फॉस्फेट भारत के एक पसंदीदा खाद है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों होते हैं, जो अनिवार्य रूप से बड़े पैमाने पर पूरक होते हैं और 18 मौलिक पौधों की खुराक का हिस्सा होते हैं। यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसे प्रमुख रूप से DAP के रूप में जाना जाता है, भारत में पसंदीदा खाद है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और दोनों होते हैं। इसके अलावा दोस्तों DAP के उर्वरक क्या हैं, इसके बारे में मतलब DAP के क्या क्या उसमें उसके मिश्रण में रहता है। तो उर्वरक ग्रेड DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% फॉस्फोरस होता है। खाद्य संयंत्रों में नियंत्रित परिस्थितियों में अमोनियो का फॉस्फोरिक संक्षारक के साथ प्रतिक्रिया करके DAP का निर्माण किया जाता है इस प्रकार। इसके लाभ क्या है वो देखते हैं। मृदा परीक्षण में लाभ होता है दोस्तों। इस खाद के उत्पादक उपयोग के लिए DAP की जो आवश्यक माप तय करने के लिए मिट्टी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा का परीक्षण किया जाना चाहिए। बेसल खुराक यानी कि DAP बेसल भाग के लिए सबसे उपयुक्त खाद है, क्योंकि इसके माध्यम से हम फॉस्फोरस का पूरा हिस्सा और 33% नाइट्रोजन का जो आधा हिस्सा लगा सकते हैं, और नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को यूरिया के कुछ हिस्सों में कटाई के विभिन्न चरणों में प्रयोग किया जा सकता है। इसलिए DAP यूरिया खाद के साथ सबसे अच्छा मिश्रण होता है। DAP की स्थिति, चूंकि फॉस्फोरस मिट्टी में स्थिर होता है, इसलिए इसके स्रोत DAP को ऐसे रास्ते से हटा दिया जाना चाहिए जैसे जहाँ पौधे की जड़ें ज़्यादा खिंचाव के बिना पहुँच सके। यानी कि इसको ऐसे मतलब इस प्रकार से DAP का ये करना चाहिए कि मतलब जहाँ पर हमारे पेड़ की पौधे की जड़ें होती है मुख्य रूप से। और मृदा संशोधन, नाइट्रोजन के साथ साथ फॉस्फोरस गैर पक्षपाती मिट्टी में सर्वोत्तम परिणाम देते हैं, यानी कि एक समान मिट्टी में यह एक अच्छे परिणाम देते हैं नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस। DAP के उर्वरक के नुकसान देखते हैं। फॉस्फेट खाद के लिए अति निषेचन एक महत्वपूर्ण सामान्य मुद्दा है। उसके अलावा दूसरा होता है जो फॉस्फेट खाद, एक और महत्वपूर्ण नुकसान पानी के दूषित होने की उच्च संभावना है। और फॉस्फेट खाद के माध्यम से मिट्टी में जो आगे बढ़ता है और मिट्टी के कणों से मजबूती से जुड़ जाता है, और यही वह फिर वह गंदगी बाहर नहीं निकलती है पानी से। तो इस प्रकार दोस्तों ये हमने DAP के बारे में जाना। और बढ़ते हैं आगे, तो यहाँ देखते हैं कि जो कुल मिलाकर जो मोदी सरकार है, एक और प्राकृतिक खेती और नई तकनीक के जरिए खेती को लागत कम कर रही है, और दूसरी ओर उपज की खरीद बिक्री का
व्यवस्थित नेटवर्क भी बना रही है। तो इससे किसानों का मुनाफा बढ़ रहा है और खेती किसान की बदहाली में कमी आ रही है। इस प्रकार हमने लेख देखा। तो उसके अलावा जो अन्य लेख है दोस्तों, उस पर आप देख सकते हैं, ये वाला लेख पढ़ सकते हैं। और रूस और यूक्रेन युद्ध में उत्पन्न जो वैश्विक चुनौतियाँ क्या है भारत के लिए, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। यह भी सेम है दोस्तों इसकी जैसा। और आगे बढ़ते तो ये सभी को मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इस पर हम अगले वीडियो में अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। और जो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और मिलते हैं फिर अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।